कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी इंडियन। आज है सैटरडे और आज हम लोग जा रहे हैं दिल्ली। और सबसे पहले ना, हमने पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं बताया, पूरी फैमिली को नहीं पता है। श्री की फैमिली को पता है लेकिन मेरी फैमिली को नहीं बताया हमने, और ये उनके लिए एक सरप्राइज विजिट होगा। आज का इतना अच्छा खूबसूरत मौसम है, अभी सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छी बारिश हो रही थी, अभी रुकी हुई है। चलो मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। फ्रेशू, प्लांट्स में पानी दोगे? अच्छा, हाथ से डाल रही थी। जी क्या निकला? किसी और में छोटे में लगा देना ये। प्रेशियस, ऐसे नहीं करते प्रेशू। ये हाथ में पानी भर भर के डाल रही है। पैन पूरा वेट कर लिया, गीला हो गया पूरा। गीला 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 गीला। इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, कितना वाओ। ओ गॉड, बहुत तेज है। डाल दो, अच्छे से डाल दो प्लांट्स में पानी। ये देखिए हमारे लिविंग रूम से क्या नज़ारा है सामने, पूरा सामने पहाड़, पहाड़ के पीछे समंदर। आराम से यहाँ सोफे पे बैठिए, और ये रहा सामने सोफा, आराम से सोफे पे बैठिए और मज़ा लीजिए। हिल व्यू, बहुत धूप है आज। सीधा कर दिया ये, बिल्कुल हवा में टूट गया था। उसमें बस मिट्टी और किनारे किनारे लगा देंगे। का खाना रेडी है। आज है दाल, जीरा राइस, और ये पालक और सबका मिक्स सैलेड, गोंगूरा फ्राई एंड चपाती। क्या किया? पूरा सोफा का कुशन। प्रेशियस, ये कुशन सारा नीचे क्यों फेंका है? हाँ प्रेशु, रोज भी निकाल लिया चोटी से। दीदी गुस्सा हो गया, सारा कुशन फेंक रहा था, दीदी गुस्सा हो गया। क्यों फेंका नीचे? चलिए, व्यू तो आपको मैंने दिखा दिया। और आज का दिन स्पेशल क्यों है? तो आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं दिल्ली। तो आज, और सबसे बड़ी बात, हम लोग इस बार फ्लाइट से नहीं जा रहे हैं, इस बार हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना इस बार ट्रेन जर्नी भी एक्सप्लोर की जाए। श्री पहले कह रहे थे कि कार से चलेंगे बाय रोड, लेकिन मुझे बाय रोड में थोड़ा सा वो लग रहा था, बिकॉज उन्हें इतना लंबा ड्राइविंग है, अराउंड 30 से 35 आवर्स की ड्राइव है, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, तो ड्राइविंग के लिए तो मैंने मना कर दिया। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोग जाएंगे ट्रेन से। और उससे भी बड़ी बात, हमने पेरेंट्स को नहीं बताया, मेरी फैमिली को नहीं पता है, मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल सरप्राइज है। तो देखते हैं कि वो लोग, हम जब पहुंचते हैं वो लोग तो कैसे सरप्राइज होते हैं कि शॉक हो जाते हैं, क्या होता है वो तो अब दिल्ली जाके ही पता चलेगा। तो सारे अरेंजमेंट्स कर देते हैं, अराउंड 15 से 20 डेज के लिए जा रहे हैं, तो बहुत एक्साइटेड है। और सब कुछ मतलब पूरा अभी घर अच्छे से पैक करना पड़ेगा, पैक करना इन द सेंस कि जो चीज़ें ख़राब होने वाली हैं उनको हटाना पड़ेगा, उनको फ्रिज साफ़ करना पड़ेगा, फ्रिज की चीज़ें दे देंगे जो भी बचेगा एक्स्ट्रा। एंड प्लांट्स तो मैंने बता ही दिया कि बेडरूम बालकनी से यहाँ बालकनी में लाने पड़ेंगे। और पार्वती को हम कीज़ दे के जा रहे हैं, पहले तो उसको कीज़ दे के जाएंगे क्योंकि प्लांट्स में पानी देना तो 15 से 20 डेज तो ज़रूरी है। तो ये हो गया ये सब। और प्रशु अभी सो रही है, श्री गए हैं ऑफिस आज भी उनके। हमारी जो ट्रेन है वो रात की है,
तो श्री अभी ऑफिस गए हैं, तब तक मैं सारी पैकिंग कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है, और जो भी बचे हुए कपड़े हैं आज के वो भी मशीन में एक बार चला देते हैं तो वो भी धुल जाएंगे। और आते टाइम पापा मम्मी भी साथ में आ रहे हैं, पापा मम्मी मतलब श्री के पापा मम्मी आते वक्त हमारे साथ में आएंगे। तो यू नो ये दिन बहुत अच्छे से बीतने वाले हैं, क्योंकि हम लोग दिल्ली में जा रहे हैं, तो दिल्ली में फैमिली है एंड दिल्ली में श्री की सिस्टर भी है, मेरी सिस्टर भी है, मम्मी पापा भी हैं, तो ये सब दिल्ली में पूरी आधी फैमिली हमारी वहाँ है, और बाकी फैमिली जो कानपुर है तो वो अब हम लोग गए ही थे, लेकिन जो पेरेंट्स हैं श्री के वो हमारे साथ वापस आएंगे। तो ये टूर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इसमें दिल्ली एंड कानपुर दोनों हो जाएंगे, इसलिए दोनों साइड के पेरेंट्स से हम लोग मिल लेंगे, दोनों साइड के पेरेंट्स से के साथ हम लोग रह लेंगे। तो चलिए जाते हैं पैकिंग करते हैं, तब तक के लिए पैकिंग करके आपसे मिलती हूँ। प्रशु भी सो रही है। मैं कितने सारे फ्लावर्स आए हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है, और ये मिंट इतना सारा मिंट हो गया, ये रोजेस तो सूख गए, ये मनी प्लांट को उठा के नीचे रखना है, एंड बेडरूम वाली बालकनी के प्लांट्स भी लाके हम लोग यहाँ पे रख देंगे। और क्या करना है, और ये सारे कुशन्स को ना सोफे पे इकट्ठा कर देंगे, और उसके बाद उसे अच्छे से कवर कर देंगे, बेडशीट डाल देंगे जिससे ना गंदे ना हो, बिकॉज हम अराउंड 15 से 20 डेज के लिए जा रहे हैं। और देखिए गला बैठ गया मेरा। तो ये बालकनी खाली हो गई है, बालकनी के सारे प्लांट्स उस बालकनी में पहुंचा दिए, वो वाली बालकनी में। एंड सारा सामान इधर साइड में कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत विंडी रहता है वेदर, तो कहीं कुछ गिर ना जाए नीचे। तो ये पूरी बालकनी सेट हो गई है, और ये मैंने सामान भी पैक कर लिया है, दो सूटकेसेस है और दो बैग है, इसमें प्रेशु का रास्ते के लिए जो भी सामान होगा, छोटा सा कंबल, उसके नैपकिन, उसके डाइपर्स, उसके एक्स्ट्रा कपड़े, और इसमें रहेगा उसकी बॉटल्स एंड उसका मिल्क पाउडर। इसमें लैक्टोजन लेंगे बिकॉज रास्ते में दूध ख़राब हो जाएगा, ट्रेन की 30 आवर्स की जर्नी है। और ये दोनों सूटकेसेस रेडी हैं, प्रशु अभी सो रही है, चलिए आपको दिखाते हैं बाकी रूम सेट हो रहा है, और आपको दिखाते हैं बाकी कि उस बालकनी में कितने सारे प्लांट्स हो गए हैं। सारे प्लांट्स उस बालकनी से लाके हमने इधर सेट कर दिए, पार्वती ने काफ़ी हेल्प की है, और ये देखिए पूरे प्लांट, मैं अच्छे से दिखाती हूँ आपको, पूरा ऐसा लग रहा है कि एक प्लांट की नर्सरी में आ गए हम लोग। ये देखिए उस बालकनी के भी प्लांट्स यहाँ पे रख दिए हैं, ये जो सेकंड लेयर के प्लांट्स हैं ना, ये किनारे किनारे वाले तो इसी बालकनी के थे जो आप हमेशा देखते ही, वो देखिए बालकनी, एंड यहाँ पे इसको और नीचे रख देते हैं, साइड में रख देते हैं, बहुत हवा आती है। कितना ये ना डोर पूरे खुल जाते हैं लास्ट तक, एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी ये पूरे, जब पूरे चारों डोर्स जो है यहाँ के खुल जाते हैं तो कितना, मतलब पूरा बालकनी जितनी ब्रॉड है ना उतना ब्रॉड ही डोर है, एंड पूरा ओपन हो जाता है। ये देखिए पूरा, सारे प्लांट्स हो गए, किचन में खाना बन, डर गए क्या? किचन में बन रहा है पराठे, पराठा हाँ, एंड पालक की सब्जी, ये सब्जी है फोटो, ये पालक की सब्जी बन रही है, और साथ में बनेगा रायता, और ये है हमारी चिट्टम्मा।
तो चलिए अब दिखाते हैं पार्वती क्या कर रही है। पार्वती बालकनी सेट कर रही है। आलू पालक, कुकुम्बर एंड अनियन का रायता एंड पराठा, हमारा खाना रेडी है। आलू पालक, कुकुम्बर एंड अनियन का रायता एंड पराठे। अभी बज रहे हैं आफ्टरनून नहीं, इवनिंग हो गई है, अराउंड 4:30 हुआ है और पैकिंग डन है। बस थोड़ा सा जो लास्ट में बिल्कुल लास्ट आस वाला सामान होता है ना, प्रेशु की मिल्क बॉटल, प्रेशु के लिए मिल्क, ये सब रखना है और थोड़ा कुछ खाना भी रख लेंगे, बिकॉज रात को ना मैं सोच रही हूँ कि ट्रेन में नहीं खाएंगे, घर से लेके जाएंगे, वही रख लेंगे। पराठे बना लिए एंड सब्जी भी बन गई है और ये सोफ़े को कवर कर दिया, सोफ़े पर सारे कुशन्स सारे एक साथ रख के उसे कवर कर दिया है। एंड देन ये वाले भी कुशन्स ना, चेयर के कुशन्स एंड देन जो ये दीवान के कुशन्स है, ये सब भी अभी सब सोफ़े पे रख के ही कवर कर देंगे इस तरह से। और मैं सोच रही हूँ हेयर वॉश और कर लें, बिकॉज वहाँ पे हम लोग पहुँचेंगे मंडे मॉर्निंग, एंड मंडे मॉर्निंग पहुँचते पेरेंट्स को तो बताया नहीं है, जाते ही देखेंगे मंदिर जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, तो मैं हेयर वॉश यहीं से करके जा रही हूँ क्योंकि फिर मॉर्निंग में बस नहा लेंगे, हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यू नो आई एम सो एक्साइटेड कि ना इतने दिन बाद दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली में फेब में गई थी एंड फेब के बाद अभी दिल्ली जा रहे हैं, तो अबाउट फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 6 मंथ हो रहे हैं। आफ्टर 6 मंथ्स आई एम गोइंग होम, पेरेंट्स से मिलेंगे, भैया दीदी लावू आ रही हैं सबसे मिलेंगे, तो तो बस उसके बाद अब क्या करते हैं। अब मैंने हेयर्स में पूरा अच्छे से ऑयल कर लिया, ऑयल मसाज कर लिया, अब बस जाके हेयर वॉश करती हूँ। प्रेशु उठ गई है, प्रेशु अभी खेल रही है, मोबाइल सारे चार्जिंग पे लगा लेते हैं, ये सब जाते टाइम के जो भी काम है। और खाना बन गया है, लंच कर लिया है हमने, बस अब शाम की चाय पियेंगे, तब तक मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ, प्रेशु को भी हनी पन्नी सब करा देते हैं उसके लिए भी, एंड देन चाय वाय पीकर फिर आपसे मिलते हैं। आपको दिखाते हैं प्रेशु कर क्या रही है। प्रेशु को रूम में मैंने अंदर रूम बंद किया हुआ है, मतलब अंदर है, श्री भी है अंदर, तो एक बार देखते हैं। और ये देखिए कल्प श्री, अभी दिखाते हैं प्रेशु कर क्या रही है। ओ जी प्यार करो जी, ओ जी ये प्रेशु खड़ी है, ओ जी प्यार करो जी, तो या हाय हाय कर दो, हाय हाय। तो हम आपसे मिलेंगे अब शाम को चाय के बाद। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरे पास ना थोड़ा सा साबूदाना भीगा हुआ रखा था, तो मैंने सोचा इसके साबूदाना की टिक्की बना लेंगे, तो अभी थोड़ी बहुत चाय के साथ खा लेंगे और थोड़ी रास्ते के लिए भी हो जाएंगे। तो ये साबूदाना की टिक्की बना ली और साथ में गर्मा गर्म चाय। तो अभी क्योंकि पैकिंग सब कुछ हो चुकी है, बस हम लोग ये एक तरह से ये स्नैक्स खा लेते हैं और उसके बाद फाइनली ट्रेन तो रात को 10 बजे है, तो उसके बाद अब मैं खाना और पैक कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलते हैं। अब मैं डायरेक्ट आपसे मिलूंगी रास्ते में, क्योंकि अब ना लास्ट टाइम में क्या होता है कभी कभी चीज़ें छूट जाती हैं। चल कौन कौन आ रहा, जल्दी जल्दी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, नहीं जाएगा नहीं जाएगा। दीदी पापा लेना यहाँ तो बहुत अंधेरा है, हम लोग दिख भी नहीं रहे, प्लेचुओं में दिख भी नहीं रहे। ओए ओए ओए, तो अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। ये वैसे तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, लेकिन बस यही एक प्रॉब्लम है कि यहाँ रात में ना टैक्सी नहीं मिलती है, मतलब लोकल टैक्सी भी नहीं मिलती है, या फिर ऊबर और जो ओला चलती है वो भी उधर एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। यहाँ स्टेशन साइड मिल भी जाती हैं थोड़ी बहुत, तो हमको क्योंकि आना था तो पार्वती के जो हस्बैंड हैं उनके ऑटो हैं, तो इसलिए हमने उनसे ही बोल दिया कि आप हमें ड्रॉप कर देना, तो एक तरह से ईज हो गया कि वो आ गए तो सामान भी आराम से आ गया, नहीं तो फिर कोई जाता हो पहले ऑटो बुलाने के लिए भेजना पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ना यही एक प्रॉब्लम है। हाँ बेटा हाँ,
तो अभी बस हम लोग स्टेशन आ गए हैं। आज हम लोग ना फर्स्ट टाइम स्टेशन आए, नॉर्मली क्योंकि दिल्ली भी दूर है, कानपुर भी दूर है, हम लोग नॉर्मली प्लेन से ही जाते हैं, लेकिन इस बार हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। तो ये रहा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। हमारी ट्रेन ना लास्ट प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इसलिए हम लोग मेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ से नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे विशाखापट्टनम प्लेटफॉर्म पे ना 4 गेट्स हैं, तो हम लोग इधर सेकंड गेट यानी कि साइड वाले गेट से अंदर जा रहे हैं, जिससे कि जहाँ हमारी ट्रेन आएगी तो वो उसी साइड वाले प्लेटफॉर्म पे आ रही है। और देखिए कितनी सुंदर पेंटिंग है यार यहाँ पे। पता है इवन जब हम रोड पे भी जाएंगे ना तो रोड के दोनों साइड में भी बहुत अच्छी पेंटिंग की हुई है। और ये रहा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, ये हम लोग पीछे की साइड से आए हैं। मेन एंट्रेंस दूसरी साइड है, वहाँ वाला तो और खूबसूरत है। और अब हम लोग बिल्कुल ना टाइम पे पहुँचे। ये देखिए जैसे ही हम लोग आए हैं विद इन 1 मिनट हमारी ट्रेन भी आ गई। और हम लोग इसीलिए साइड गेट से आए कि हमें ना पुल भी नहीं चढ़ना पड़े, सीधा हम प्लेटफॉर्म पे आ गए जिसमें हमारी ट्रेन आ रही है। और मुझे लगता है हमारा डिब्बा उधर उस साइड जाएगा तो हमें आगे की ओर जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही होती है सेकेंड एसी का डिब्बा या तो सबसे आगे कर देते हैं या सबसे पीछे कर देते हैं, तो चलना बहुत पड़ता है। तो हाँ वो गया, उधर आगे गया हमारा डिब्बा, तो हमें उस साइड अब चलना पड़ेगा। तो ये अच्छा है कि ये जो बालराजू हैं, ये पार्वती के हस्बैंड, ये भी हमें ड्रॉप करने आए थे तो ये भी रुके हुए हैं, तो ये भी हमारा सामान चढ़ाने में हेल्प कर देंगे। वैसे ज़्यादा है नहीं, वही 2 सूटकेसेस हैं, ट्रॉली हैं, 2 ट्रॉली, लेकिन फिर भी अगर हेल्प मिल जाती है तो और अच्छा ही हो जाता है। कहाँ गया एसी, यहाँ कॉकरोच घूम रहे हैं, दिख ही नहीं रहा, अंदर घुस गया, बैठा है। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए और हमारा ना आरएसी था, सीट अलॉट हो गई, कंफर्म्ड हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2 बोगी में मिली है, मेरा है A2 में और इनका है A5 पे। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि कोई एक्सचेंज करने के लिए मिल जाए। मेरा A2 पे है, नीचे का साइड लोअर है 35, और इनका भी A5 में साइड लोअर ही है, लेकिन वही है अलग अलग वो हो गया है। तो अब देखते हैं कि जो ऊपर वाली बर्थ पे आएगा अगर वो एक्सचेंज कर ले हमसे तो अच्छा है, हम दोनों का एक साथ हो जाएगा, अदरवाइज अलग अलग में तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये गया, इसीलिए ना हम लोग ट्रेन में जल्दी आ गए। वैसे ये ट्रेन ना यहीं से विशाखापट्टनम से स्टार्ट होती है, तो अराउंड ये 10 o'clock है इसका डिपार्चर, लेकिन ये 9:05 पे आ गई और हम लोग भी लकली उसी टाइम पे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो हम लोग जल्दी से बैठ गए, अभी स्टार्ट होने में इस अबाउट 9:15 हुआ है, तो इस अबाउट 45 मिनट्स अभी भी है। तो श्री गए देखते हैं, अगर TC मिल जाए तो उनसे बोलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कोई उधर पर मिल जाए, काश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। अगर 30 आवर्स की जर्नी है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अगर एक इस डिब्बे में, एक उस डिब्बे में, और स्पेशली ये पेशु महाराजा बदमाश टोकरी के साथ, तो इसको संभालने के लिए तो कोई चाहिए, इसको संभालने के लिए तो कोई चाहिए। प्रेशु की पहली ट्रेन जर्नी, वैसे एक बार ये दिल्ली से कानपुर गई है, लेकिन वो जर्नी ना बहुत कम थी, 5.5 आवर्स की थी। पहली बार प्रेशु 30 आवर्स के लिए जा रही है, और इनफैक्ट मैं भी बहुत सालों बाद, बचपन में जब हम स्कूल में थे तब जाते थे, उसके बाद तो जब इतना दूर का जर्नी होता नॉर्मली फ्लाइट से ही जाते थे, बट इस बार हम लोग जा रहे हैं। तो प्रेशु का 30 आवर्स के लिए बहुत वो हो रहा है। प्रेशु ने स्टार्ट भी कर दिया है, इसमें मैं पराठा पिकल एंड ये है बिरयानी हमने यहाँ से ही ले ली है, तो ये 2 प्लेट बिरयानी है, और साथ में ये पालक आलू की सब्जी, मैंगो पिकल, इसमें पराठे हैं, और साथ में ये बिरयानी के साथ लेमन पिकल भी मिला है। तो हम जा रहे हैं अब डिनर करने। तो हमारी साइड बर्थ है, साइड लोअर एंड साइड अपर,
वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन पेशेंट के साथ दो लोगों में थोड़ा लेटने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ी छोटी होती है, ब्रॉड भी कम होती है और ना लेंथ भी इसकी कम रहती है। हाँ हाँ भाई, बात कर रही है। प्रशु को भाई मिल गया, बातें करने लगी, इतनी बातूनी राम है ना ये। और प्रशु ना ऐसे ही कॉरिडोर में खड़ी है। प्रशु बैठ जाओ बेटा, ये बर्थ तुम्हारे लिए ही है बैठने के लिए, बट नो शी इज जस्ट स्टैंडिंग। आई होप शी स्लीप्स। इससे पहले भी ना प्रशु को लेकर हम लोग ट्रेन में आए हैं, लेकिन वो कानपुर से दिल्ली तक के लिए आए हैं, मतलब जस्ट 5 या 6 आवर्स की जर्नी है। ये 30 आवर्स की जर्नी फर्स्ट टाइम हो रही है, बहुत लंबा है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जैसे 6 o'clock मॉर्निंग में बैठते हैं हम लोग, या 12-1 तक हम लोग आफ्टरनून में पहुँच जाते हैं, लेकिन ये पहली जर्नी है जिसमें अब ये बहुत लंबा सफ़र होगा। अभी देखते हैं कैसा होता है, जो भी होगा आपके सामने आएगा। इसको फिर शूज उतारो, फिर बैठा फिर उनका सामान रखा है कहीं कुछ। और जो हमने बिरयानी ली थी ना, वैसे मैं तो खाना लाई थी, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे वैसे एक्चुअली बिरयानी बहुत पसंद है, तो इन्हें बिरयानी दिखी तो इन्होंने स्टेशन से बिरयानी ले ली, लेकिन वो बिरयानी इतनी ख़राब थी, मतलब उसे ना फ्राइड राइस भी नहीं बोल सकते, नॉर्मल सिर्फ राइस था, उसमें जीरा राइस था, मतलब जीरा राइस में भी एटलीस्ट हल्का सा सॉल्ट होता है, ये तो कुछ अजीब ही था। तो उसके लिए मैंने अच्छा वो एक थम्स अप की बॉटल ले ली थी, तो साथ में कोल्ड ड्रिंक की हमने खा लिया किसी तरह। और रात के 1 बजे हैं, तकरीबन सारे लोग सो गए हैं, लेकिन प्रशु ये सोने नहीं दे रही है, इधर से उधर भाग रही है, उधर से इधर भाग रही है। श्री बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, तभी इसको लेके ना अकेले ट्रैवल करने से मुझे डर लगता है। और ये सामने जो लेडी थी वो पूछ रही थी, ये रात को सोती है कि नहीं, मैंने कहा नहीं, ये हर रात में ऐसे ही करती है, होपफुली आज सो जाए, नहीं तो सब परेशान होंगे। वैसे ये बदमाशी मतलब आवाज़ें नहीं करती, बस इधर से उधर खेलती रहती है। ये कोई बड़ा स्टेशन लग रहा है, मैंने नाम नहीं देखा। प्रशु अभी बाय चांस थोड़ी देर के लिए सो गई है, तो इसको मैंने ऊपर ना श्री के पास लिटा दिया है। और अभी ना यहाँ पे नाम गया है, इसका नाम समाल कोटा टाइप का कुछ, समाल कोटा या समलल कोटा कुछ तो था। बहुत बड़ा स्टेशन है, मतलब ये बड़ा सिटी होगा, मैं आज तक यहाँ पे आई नहीं हूँ, जबकि ये वाइज़ैग से पास में ही है। नेक्स्ट टाइम ना ज़रूर यहाँ पे अगर घूमने आएंगे, देखते हैं बाद में कि यहाँ पे क्या क्या है, गूगल करते हैं, एक बार सर्च करूँगी कि क्या क्या इसमें कुछ घूमने लायक जगह होगी, तो ज़रूर आएंगे। अपना विशाखापट्टनम के इतना पास है तो आना ही चाहिए। अभी बज रहा है रात का 1 बज रहा है, प्रशु सो गई है और उठ जाएगी मुझे लगता है, 1-2 घंटे ही सोती है वो, उसके बाद उठ ही जाती है, तो तब तक देखते हैं। राजमंडी स्टेशन मैं भी थोड़ा आराम कर लेती हूँ, ऊपर बर्थ पे सो रही है वो, उसको दूधी की बॉटल उसकी रेडी कर दी है कि इन केस वो उठ जाए तो वो श्री उसको पिला देंगे। बाय बाय। कितने लोग स्टेशन पे ऐसे ही सो रहे हैं, हाय। वही होता है पता है, वेटिंग रूम होते हैं लेकिन वेटिंग रूम भी फुल हो जाते हैं, कितने लोग एकोमोडेट हों। कॉकरोच है, हे भगवान, सब लोग सो रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे रजिया गुंडों में फंस गई है। भगवान, ये कॉकरोच ना मुझे अजीब लगता है, इनसे डर नहीं लगता है, पता नहीं गिन सी आती है। और कितने सारे कॉकरोच है, क्या हाल हो रखा है, मतलब इतने दिनों बाद हम लोग ट्रेन में चल रहे हैं, लेकिन ट्रेन में ऐसा तो कभी नहीं हुआ इतनी ज़िंदगी में। बचपन से मैं कितनी बार ट्रेन में बैठी हूँ, फर्स्ट टाइम मैं कॉकरोच देख रही हूँ, गॉड। एंड अभी कोई और स्टेशन निकला है, देखा नहीं मैंने कौन सा है ये। और इस ट्रेन में इतने सारे कॉकरोचेस हैं, छोटे छोटे 4-5 तो मैं देख चुकी हूँ, और अभी मैंने
आपको दिखाया, बेड पे मैं लेटी हुई थी और एकदम से मुझे लगा कि कुछ चल रहा है, टच नहीं हुआ मुझे, लेकिन मैंने देखा कि अंधेरे में ना कि कुछ चल रहा है। फिर मैंने लाइट ऑन किया तो देखा कॉकरोच है छोटा सा, और सामने वालों के भी उसमें बर्थ में सब चल रहे हैं। बाप रे, एसी सेकेंड क्लास का ये हाल है तो और स्लीपर और जनरल का क्या हाल होगा। तो अभी राजमंडी स्टेशन गया है यहाँ से, और अभी सुबह विजयनगर या विजयवाड़ा आई थिंक अराउंड 4 o'clock पहुँचेंगे। आई एम नॉट श्योर विजयनगर है कि विजयवाड़ा, तो अभी रास्ते में बताऊँगी। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर गया, तो मैं आपको बताऊँगी कि 4 बजे कौन सा स्टेशन आया। अगर मैं जागती रही प्रोबेबली सो जाऊँगी। तो अभी ना यहाँ पे कॉकरोच चल रहा था इसके ऊपर, तो मैंने वो भगा दिया, छोटा सा ही था। और एक कॉकरोच ना यहाँ बैग के पीछे में, इसके पीछे में था, उसको मैंने हटाया तो वो नीचे की साइड चला गया। पता नहीं क्या होगा, बहुत कॉकरोच हैं। और ये कॉकरोच मुझे सोने नहीं देंगे, रात के 2 बज गए हैं और मुझे लगता है कोई रिवर आ रही है। और ये ना बहुत बड़ी नदी है एक्चुअली। पता है जब हम लोग असम जाते थे ना, तो मतलब पहले पापा का ना ट्रांसफ़र असम में था, तो जब हम लोग वहाँ पे जाते थे छोटे पे, तो रास्ते में ब्रह्मपुत्र नदी पड़ती थी। बाप रे, वैसी ही मतलब इतना, उसके ऊपर से जब जाते थे ना उसमें मुझे याद है 108 डिब्बे गिनती थी मैं, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर जो आते हैं ना, 1 2 3 4, इतनी लंबी तक चलती थी ब्रह्मपुत्र नदी। बहुत मतलब ऐसे नीचे झाँकते थे ऐसा डर लगता था ना, वो माँ, तो वही एकदम से याद आ गया। पता नहीं कौन सी नदी है, लेकिन ये अराउंड 5 मिनट से चल रहे हैं हम इसके ऊपर और अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। राजमंडी स्टेशन गया था उसके बाद है, बाद में इसको ना गूगल करके मैं बताऊंगी कि कौन सी नदी है। बहुत बड़ी रिवर है यार, मतलब और अंधेरा है बहुत ज़्यादा, तो आपको दिख नहीं रहा होगा, अदरवाइज़ देखने में तो इतनी नीचे गहरी लग रही है, काफ़ी डीप है। और बाहर की साइड की लाइट्स कुछ दिख रही होंगी आपको, बहुत ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पर। करीब 5 मिनट्स हो गए हैं हमें इसे क्रॉस करते करते और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुई है। 4 मिनट 29 सेकेंड हो चुके हैं, हाँ अब इसका एंड आने वाला है, यानी कि अराउंड 5 मिनट्स इसको लग गए हमें क्रॉस करने में ट्रेन से। ओ गॉड, और इतनी डीप और इतनी ज़्यादा ब्रॉड है ये। सीरियसली ना, आज तो मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है ना, हद हो गई है। और ये हैं वो कॉकरोचेस जिसकी वजह से एसी सेकंड क्लास में भी बर्थ होने के बावजूद मैं सो नहीं पा रही हूँ। ये देखिए, ये है ट्रेन और वो जा रहा है कॉकरोच। ओ देखिए क्या हाल बनाया हुआ है ट्रेन का। इसको मैं जैसे ही भगाती हूँ वो फिर से आ जाता है घूम फिर के। एक्चुअली ना पहले मुझे लग रहा था कि एक ही कॉकरोच है और मैं उसको भगा देती हूँ, वही बार बार घूम कर आ जाता है, लेकिन ना बाद में मुझे, मैंने जब देखा तो नहीं, सामने वाले बर्थ पे भी एक चल रहा था, एक सामने वाले जो इधर पे लेटे हैं उनके ऊपर चल रहा है, उनके कंबल के ऊपर। कंबल तो नहीं मिले हैं ट्रेन में, जो बेडशीट मिली है उसके ऊपर वो चल रहा था। तो मतलब ये एक नहीं है, बहुत सारे कॉकरोचेस हैं। अभी मैंने नीचे देखा तो नीचे भी, इवन मैं वॉशरूम गई तो वहाँ पे भी कॉकरोचेस हैं। मतलब और ना इवन मैंने जो यहाँ पे अटेंडेंट है उनसे मैंने पूछा, एक्चुअली मैंने पहले चेक किया था कि इसमें ब्लैंकेट मिलेगा ट्रेन में करके, तो उसमें था कि हाँ ब्लैंकेट एंड बेडशीट दोनों मिलेगा। तो प्रेशू के लिए हम लोग ब्लैंकेट लेकर नहीं आए थे, कभी कभी होता है ना रात में एसी ये लोग ज़्यादा ही बढ़ा देते हैं तो ठंड हो जाती है। तो मैंने ना एसी अटेंडेंट से पूछा कि ब्लैंकेट भी मिलेगा, उन्होंने सिर्फ 2 बेडशीट दी हैं,
तो मैंने पूछा कि आप ब्लैंकेट नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा मैम ब्लैंकेट है लेकिन वो ब्लैंकेट जहाँ पे रखा है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉकरोचेस हैं, तो अगर हम वो खोलेंगे ना और ज़्यादा कॉकरोचेस बाहर आ जाएंगे, इवन ब्लैंकेट भी बहुत गंदे हैं। जब से कोविड चला है ना तब से मतलब वो ब्लैंकेट निकाले नहीं गए ना वो वॉश हुए, क्योंकि कोविड टाइम में तो ब्लैंकेट देना बंद कर दिया गया था, तो वो बेडशीट तो वैसे भी क्लीन होते हैं वॉश किया जाता है तो, लेकिन ब्लैंकेट को हमेशा वॉश नहीं करते वो लोग ना, तो ब्लैंकेट को वो वैसे ही उसमें अंदर बंद है और तब से वो यूज़ ही नहीं हुआ, तो पूरा वो कॉकरोच का स्टोरेज बन गया है। इस ट्रेन में इतने कॉकरोचेस हैं, मुझे लगता है हज़ार जितने लोग नहीं है ना उससे पैसेंजर से ज़्यादा कॉकरोचेस हैं। मन तो कर रहा है कि एक ट्वीट करूं गवर्नमेंट कुछ एक्शन लेगी, लेकिन चलो देखते हैं। अभी यहाँ पे तो नेट भी नहीं आ रहा है, नेट का भी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन पता नहीं लोग कैसे ट्रेन से ट्वीट कर देते हैं, मेरा तो बार बार नेटवर्क ही जा रहा है, लेकिन मैं बाद में ज़रूर कंप्लेंट करूँगी। ये एपी एक्सप्रेस में बहुत 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 ज़्यादा कॉकरोचेस हैं, मैं एक मिनट नहीं सो पाई, मुझे ना कभी इधर से जा रहे हैं कभी उधर से जा रहे हैं, लोग सो ले रहे हैं ओढ़ के, लेकिन मेरी बिल्कुल आदत नहीं है ऐसे, मैं मतलब नहीं हो पा रहा है, मुझसे गुस्सा आ रहा है बहुत तेज़ मुझे। थोड़ी देर पहले मैं बोल रही थी ना कि लोग बेचारे कैसे प्लेटफॉर्म पे सोए होते हैं, कितना प्रॉब्लम होती है, लेकिन अब मुझे इस ट्रेन में सेकेंड एसी कोच में बैठ के मुझे फ़ील हो रहा है कि वो हमसे बेटर पोजीशन में, वो कम से कम वो आराम से लेटे तो हैं, यहाँ तो मुझे लग रहा है मुझे मतलब लेटने में भी डर लग रहा है कि कहाँ से कॉकरोच कोई कान में ना चला जाए, कोई इधर से जा रहा है कोई उधर से चल रहा है, मतलब जंगल भी इससे ज़्यादा सेफ होता है, बहुत बुरी हालत कर रखी है इस ट्रेन की। अब मुझे लग रहा है जल्दी से सुबह हो जाए, क्योंकि मुझे एक्चुअली नींद भी आ रही है और मैं सो भी नहीं पा रही हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है इससे अच्छा, तो इसलिए मैं बैठी हुई आराम से, अब सोच रही वेट कर रही हूँ कि या तो मेरी फ्रेंड फ्रेश हो जाए तो हम दोनों आराम से बात करेंगे खेलेंगे, या फिर मॉर्निंग ही हो जाए जो भी है। चलो कुछ आइडिया करते हैं। मैंने देखा ये कॉकरोचेस ना नीचे से भी आ रहे हैं बहुत सारे, तो इसके साइड को ना अच्छे से सिक्योर कर देते हैं, एक अच्छा सा अपना ना फोर्ट बना लेंगे, एक किला जिसमें कोई भी कॉकरोच एंटर ना कर पाए। चलिए शुरू करते हैं मिशन सेफ हाउस, ये टंटरन, ये स्टेशन निकल जाए उसके बाद मिशन सेफ हाउस करेंगे। वैसे लाइट सारी बंद है तो फ्लैश लाइट ऑन कर लूँगी मैं, और उसके बाद फिर मिशन सेफ हाउस स्टार्ट होगा। बस टाटा बाय बाय, एक और स्टेशन निकला है। तो ये मैंने ना पूरा बेडशीट को अच्छे से बिछा दिया है, और इसके जो कॉर्नर्स हैं जो एजेस हैं उस पर मैंने यहाँ पे लैक्टोजन का डिब्बा लगा दिया है, और उसके बाद ये जो थर्मस है इसमें गर्म पानी है ब्रशु के लिए, तो ये मैंने रख दिया है इससे ना साइड से, क्योंकि साइड से जो गैप है ना उससे भी कॉकरोचेस आ रहे हैं, तो ये मैंने अच्छे से सिक्योर कर दिया है। तो ये मेरा सेफ हाउस तैयार है, अब मैं देखती हूँ थोड़ी देर सो के, अगर मुझे कोई कॉकरोच नहीं आया डिस्टर्ब करने तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। 3:15 हुआ है और एकदम से बहुत तेज बारिश हो रही है, एक ही रात में ना सारा सब कुछ एडवेंचर मिल रहा है, कॉकरोच से लेकर बारिश, एंड प्रेशु भी उठ गई है, प्रेशु को मोबाइल दे दिया, अदरवाइज ना ये इतना इधर से उधर भाग रही थी उधर से इधर भाग रही थी, पूरी ट्रेन में किसी को फिर सोने नहीं देती, तो इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या कर रही है, उसको मोबाइल दिया हुआ है, ये प्रेशु आराम से लेट के मोबाइल देख रही है, आराम से मोबाइल चला रही है। ये देखिए बूंदे, अभी एक्चुअली बहुत अंधेरा है, यहाँ पे भी पूरा लाइट ऑफ है तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, वाओ, और बिजली भी कड़क रही है, बहुत अच्छा वेदर हो गया है। अभी रात के 3:30 बजे हैं और हम लोग विजयवाड़ा पहुंच रहे हैं, ये विजयवाड़ा का आउटर है और बहुत अच्छी सी प्यारी प्यारी सी बारिश हो रही है, इतना प्यारा मौसम है ना, सच में भगवान ने यार ये दुनिया कितनी हसीन बनाई है, और जो वेदर है वो भी कितना अच्छा बनाया, बस यही है कि अभी इस वेदर को मैं फील नहीं कर पा रही, ये जो बारिश की बूंदें और ये जो ठंडी ठंडी हवाएं जिन्हें मैं आँखों से देख तो ले रही हूँ, लेकिन ना
अपने ऊपर फील नहीं कर पा रहे हैं। ये बीच में ये जो कांच की दीवार है, ये दुनिया वाले हमें मिलने नहीं दे रहे हैं। यही है ना, जब हम बचपन में ट्रैवल करती थी ना, तो मुझे याद है हम लोग फर्स्ट क्लास में चलते थे, और फर्स्ट क्लास में ना, मतलब वो एसी फर्स्ट क्लास नहीं होता था, लेकिन ना उसमें पूरा मतलब कूपे होते थे, हर का ना सीट सेपरेट होता था, फोर सीट फोर बर्थ का एक कूपा होता था और आगे डोर होता है, जैसे अभी एसी फर्स्ट क्लास होता है ना, सेम वैसे ही होता था, बस उसमें एसी नहीं होता था। तो मुझे याद है हम लोग ना ऐसे खोल लेते थे, जो विंडो होती थी विंडो को शटर ऊपर कर देते थे, एक कांच का रहता था और एक वो लोहे वाला रहता था, तो उसको ऊपर कर देते थे, और उसके बाद अगर ये बारिश हो रही होती थी, इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही होती थी, वो जो मज़ा है ना, मतलब वो जो फीलिंग्स है ना, अभी हम चाहे एसी फर्स्ट क्लास में चलो, एसी सेकंड क्लास में चलो, पर वो वाले फर्स्ट क्लास का फील ना कभी बिल्कुल भी नहीं आता है। आराम से अपना वो डोर बंद कर लेते थे, उसके बाद पूरे हम फैमिली, मतलब हम लोग पांच लोग होते थे, तो चार, मतलब मैं, भैया, दीदी, मम्मी, पापा, तो हम चार बर्थ एक में होती थी, एक दूसरे में होती थी, दूसरे गुप्पे में, लेकिन हम जब पाँचों घुसे एक ही में रहते थे। रात को अगर सोना होता था तो कभी कभी चले जाते थे, नहीं तो उसी में एडजस्ट होकर सो जाते थे, और दूसरी बर्थ हमारी ऐसे ही जाती थी। और क्या, इधर से ही आई है और इधर ही वापस जा रही है, यानी विजयवाड़ा से डायरेक्शन चेंज। तभी यहाँ पे 15 मिनट्स का हॉल्ट है, अदरवाइज और सब जगह कहीं पे 2 मिनट्स है, कहीं 5 मिनट्स है, यहाँ पर 15 मिनट्स का हॉल्ट है बिकॉज इंजन चेंज है। और इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मज़ेदार मौसम है, बस बाहर नहीं जा सकते हैं। एंड प्रेशु यॉन कर रही है, यानी कि शायद प्रेशु को नींद नहीं आई है, प्रेशु को नींद नहीं आने वाली है। और फाइनली बारिश रुक गई है, अभी सुबह के 6 बजे हैं, और प्रेशु पूरी रात नहीं सोई है। ट्रेन का सफर है, प्रशु अभी भी जाग रही है पूरी रात। कहाँ जा रही है? मॉर्निंग वॉक। और प्रशु निकल गई है वॉकिंग पे। विविध भारती, आज तो विविध भारती भी नहीं सो पाए। प्रेशु ने अच्छा चक्कर चलाया। प्रेशु गुड मॉर्निंग। और बाहर कितना खूबसूरत नज़ारा है सुबह के 6 बजे। अब प्रेशु सोएगी तो उसके बाद हम लोग भी सो जाएंगे ब्रेकफास्ट करके। वो मैंने लाइव पूछा था, तुमने बोला ही नहीं। प्रेशु नहीं, तुम पी लो, मुझे नहीं पीनी है अभी। अरे क्षमा भाभी से बात की थी मैंने, और ये इस स्टेशन का नाम है खम, और बजे हैं अभी 6:08। खम्मम, खमंड, आगे डाव लग जाता, खमंड हो जाता। सुबह 6:15 और हम लोग पहुँचे हैं खम भी आंध्र प्रदेश में ही है या खमम, ये भी अभी आंध्र प्रदेश ही चल रहा है। 6:09 खमम। और प्रेशु को तो इतना मज़ा आ रहा है ना यहाँ पे विंडो के पास खड़ी होके, इसे लग रहा है कि ये तो यहाँ पे है, और ये चल कैसे रहा है आगे का सब कुछ। प्रेशु गुड मॉर्निंग। डॉग, चाय बोले, गरम मसाला चाय, अदरक वाला चाय बोले।
चाय चाय बोली अदरक वाला मसाला गरम चाय बोले भाई चाय चाय। अभी बज रहे हैं 6:45 और हम लोग पहुँचे हैं महबूबाबाद। महबूबाबाद प्रेशु महबूबाबाद। हमने सुबह चाय पी ली और अब सोच रहे हैं प्रेशु को हल्की हल्की सी नींद आ रही है तो प्रेशु को सुलाते हैं और साथ में ब्रेकफास्ट तो भूख लग नहीं रही है चाय पी ली है देखते हैं क्या करते हैं अभी आगे। और अभी एक नया एक्सक्यूज बता रहे हैं। हाँ बताइए रेशु क्यों तुम्हारे साथ नहीं जा पा रही है? क्योंकि वो बाप को प्यार नहीं करती। ये धीरे से ना ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है हम उनको पकड़ लेकिन चढ़ गए रेशु पापा चले गए ऊपर वाली बर्थ पे। चले जाने चोनो पापा निन्नी आई है निन्नी कर लो निन्नी। पूरी रात बहुत ही हैक्टिक रही। एक तो प्रेशु तो वो तो चलो नॉर्मल है डेली की बात है लेकिन ऊपर से जो कॉकरोचेस ने जो धमाल मचाया ना कल वो तो भगवान बचाए। इतने सारे कॉकरोचेस वाले में आई थिंक जितने पैसेंजर्स नहीं होंगे उतने ज़्यादा कॉकरोचेस होंगे। तो प्रेशु फाइनली सो गए और टाइम हुआ है सुबह के 7। देखिए कितना अच्छा व्यू है। बारिश बंद हो गई है लेकिन अभी भी मौसम बहुत अच्छा है। अब मैं भी जा रही हूँ सोने आपसे मिलते हैं। चाय पी लिए ब्रेकफास्ट का पता नहीं कब करेंगे मन नहीं है भूख भी नहीं है। फ्रेशन अप हो गए हैं चाय वाय पी लिए। प्रेशु सो रही है तो अब हम भी जा रहे हैं सोने। श्री सो गए मैं भी जा रही हूँ सोने और फिर अब आपसे मिलेंगे उठने के बाद। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मेरी बिंदी निकल गई है मैंने इसलिए ना लिपस्टिक से लगा ली थी लेकिन अब वो भी हल्की हो गई है। और मेकअप का कोई प्रोडक्ट तो मैं लेकर नहीं चली हूँ तो ना बिंदी लग सकती है ना लिपस्टिक लग सकती है ना क्रीम पाउडर लग सकता है। तो अब 2 दिन आपको ऐसे ही फेस देखना पड़ेगा ऐसे ही वाला विदाउट मेकअप। वैसे हाँ मेकअप तो वैसे भी नहीं करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत क्रीम पाउडर तो लगा ही लेते हैं लेकिन अभी 2 दिन तो वो भी नहीं मिलने वाला है ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं ऐसे ही चलता है। तो अब जा रहे हैं सोने फाइनल वाला बाय बाय। तो फाइनली प्रेशु सो गई है। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:05 और यू नो जब हम लोग घर पे रहते हैं तो सुबह 6-7 बजे कितनी बुरी तरह नींद आ रही होती है ना इतना आलस आ रहा होता है बिल्कुल लेजी सा फील हो रहता है। लेकिन अगर हम घर से बाहर होते हैं तब हमको पता चलता है यार सुबह तो कितनी जल्दी हो जाती है मतलब 5 बजे ही सुबह हो जाती है और पूरे कितने सारे लोग सुबह सुबह उठ के काम भी कर रहे होते हैं स्पेशली अगर आप विलेज साइड में जाओ। अभी जैसे ये ट्रेन चल रही है मैं देख रही हूँ कि कितने लोग खेतों में काम कर रहे हैं। अभी बजा है सिर्फ 7 बजे है और सारे लोग कुछ पानी भर रहे हैं अभी हुआ था हैंडपम्प से पानी भर रहे थे ट्रेन के बिल्कुल पास में ही और सारे बच्चे भी जागे हुए थे। मतलब ये जो विलेज लाइफ है ना ये कुछ अलग ही है बहुत अच्छी है और इतना अच्छी ग्रीनरी है। देखिए ट्रेन के आसपास ना इतना पूरा बहुत अच्छा सा लग रहा है ऐसा लग रहा है जैसे किसी हिल स्टेशन पे आए हुए हैं। और स्पेशली जो बारिश हुई थी ना उसने तो 4 चांद लगा दिए हैं इतना अच्छा वेदर हो गया है। लग रहा है कि एसी बंद हो जाए तो भी चलेगा लेकिन एसी चल रहा है। अभी अटेंडेंट आया था तो मैंने उन्हें कहा कि एसी थोड़ा सा कम कर दीजिए क्योंकि बहुत ठंड हो गई है अंदर में और बाहर इतना अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है ना यहीं पे उतर के थोड़ा घूमने चले जाएं कुछ लेकिन बहुत अच्छा है यार हम लोग जा नहीं पाते लेकिन ऐसी जगह ना जाना ज़रूर चाहिए। और देखिए कितना अच्छा वेदर है और कितनी अच्छी सीनरी है यार मतलब अपना जो कंट्री है ना मुझे लगता है सबसे बेस्ट है सबसे खूबसूरत है। कभी कभी तो मुझे लगता है स्विट्ज़रलैंड भी इसके आगे फेल है
और प्रशु जैसे सो गई है तो मैंने श्री को भी कहा कि आप भी जाके थोड़ी देर सो लीजिए। वो ऊपर की बर्थ पे सो गए हैं, प्रशु को मैंने यहाँ नीचे लिटा दिया है और मैंने सोचा था कि मैं भी सो जाऊँगी क्योंकि अभी कॉकरोचेस भी थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही। मुझे यही प्रॉब्लम होता है, ट्रेन हो चाहे बस हो, इवन फ्लाइट पे भी मैंने देखा है ना, चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट पे भी। हम लोग जब लंदन गए थे ना, 8 आवर्स की जर्नी थी, रात में तीन बजे के करीब की फ़्लाइट थी हमारी। सब लोग सो रहे थे लेकिन मैं अकेली एक ऐसी थी जो पूरी फ़्लाइट में नहीं सो। तो मैंने ट्राई किया 5-10 मिनट सोने का लेकिन बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे। सो रही है, श्री भी सो रहे हैं, तो फिर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही। तो मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट ले लिया है। ब्रेकफास्ट में बहुत सारे ऑप्शन थे, ब्रेड कटलेट था, उपमा था, पोहा था एंड ब्रेड ऑमलेट भी था। मैंने क्या लिया, मैंने लिया पोहा। चलिए आपको दिखा रही और प्रशु इतने अच्छे से सो रही है और मैंने पोहा ले लिया है ब्रेकफास्ट में। देखते हैं कैसे, अगर अच्छा होगा तो फिर श्री के लिए भी एक लेकर रख देंगे। अभी वो सो रहे हैं तो मैंने डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। वैसे मैंने पोहा लिया था, मुझे लगा था अच्छा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा टर्मरिक पड़ी है, हल्दी बहुत ज़्यादा है और हल्दी ना कच्ची है, मतलब फ्राई नहीं किया है तो हल्दी खाने में ना हल्दी कच्ची कच्ची हल्दी का टेस्ट आ रहा है। चलो अब तो ले ही लिया तो खाना ही पड़ेगा। और अभी आ गया है वारंगल। वारंगल आ गया, देखते हैं अभी एक चाय और पी लेंगे तो अच्छा लगेगा साथ में। स्टेशन पे भी ना बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है, स्पेशली जो इडली डोसा होता है। मुझे एमपी साइड जाते हैं ना तो वहाँ पोहा गरम गरम मॉर्निंग में बहुत टेस्टी होता है। यहाँ पे चटनी सांभर इडली भी मिल रहा था लेकिन वो ये श्री भी सो रहे हैं और प्रशु भी सो रही है तो भी उतर के अकेले जाना सही नहीं है, नहीं तो ये प्रशु जो लेटी है दम हो जाएगी। तो बाय द वे हम लोग पहुंच गए हैं वारंगल। ये मुझे लगता है कि ट्रेन ना करीब आधा घंटा लेट हो गई है, यहाँ 6:45 आने का टाइम था लेकिन अभी 7:30 के करीब हो रहा है तो ये करीब 30 मिनट्स अराउंड लेट है। 7:30 मतलब चली है ना, मतलब पहुँचते मतलब आई तो 7:15-7:20 के करीब थी, तो वही आधा घंटे के करीब लेट है, थोड़ा ज़्यादा भी लेकिन ना पिक कर लेगा क्योंकि अभी तो 30 आवर्स का पूरा जर्नी था। हम लोग रात को 10 बजे इसमें बैठे थे ट्रेन में एंड अभी हुआ है मॉर्निंग का 7:30, तो अभी इतना टाइम हो गया हमको ट्रेन में और ये कल सुबह दिल्ली पहुँचेगी, सुबह सुबह आई थिंक 5 या 5:30 के करीब दिल्ली पहुँचेगी। बाय बाय वारंगल। मैं वारंगल भी नहीं आई हूँ, आप लोग आए हो क्या? मुझे, मैं यहाँ नहीं आई, विजयवाड़ा गई थी मैं, वहाँ का खाना, वहाँ का यार इडली डोसा इतना टेस्टी है ना, यहाँ का भी अच्छा होगा। वैसे साउथ का तो सभी कुछ अच्छा होता है, हर जगह का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। यहाँ का यार वेदर बहुत अच्छा लग रहा है आज ना, लग रहा है कि बिल्कुल ओपन कार या जीप हो और उसमें आराम से घूमो। ट्रेन में बैठे ना लग रहा है कि बंद बंद बैठे हैं, बाहर इतना अच्छा मौसम हो रखा है। और मैं ना बोर होने लगी थी तो मैं श्री को ज़बरदस्ती उठा लिया कि नहीं तुम भी अब नीचे आके बैठो, बहुत सो लिया। और प्रशु अभी भी सो रही है, ये अपनी पूरी रात की नींद कवर कर रही है। अच्छा थोड़ी देर सो ले तो वो भी रिलैक्स हो जाएगी, लेकिन श्री को मैंने सोने नहीं दिया। हो गया, इन्होंने भी 2-3 आवर्स तो आराम से सो लिया, हो गया ज़्यादा ही सो लिया है। और अभी मैं इनको उठा के बैठा दिया कि नहीं थोड़ा आओ मुझसे बातें करो, मैं बोर हो रही हूँ। पहले याद है हम लोग जब छोटे पे जाते थे ना तो ताश खेलते थे, जो कार्ड्स होते वो प्ले करते थे, क्या क्या प्ले करते थे। और साथ में ये लंच आ गया है, लंच में क्या आया है, बाप रे लंच कितना पतला यार। दाल है, मटर पनीर की सब्जी है, राइस है, लेकिन दाल और मटर पनीर की जगह सूप लग रहा है और साथ में इन्होंने पराठा भी दिया है। और अभी बजने वाले हैं 2:00, 2:15 पे नागपुर आएंगे हम लोग। अभी हुआ है 1:45 और प्रशु पूरी रात तो जागी है और अब सो रही है। प्रशु के पापा देख रहे हैं पृथ्वीराज चौहान मूवी एंड प्रशु को दिखाती हूँ क्या कर रही है। ये रही प्रशु,
कितने आराम से सो रही है। जब सब लोग जाग रहे हैं तब प्रशु जी सो रही हैं और ये मूवी एंजॉय कर रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान वाली। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं वेट कर रही हूँ नागपुर आने का। प्रेशु सोकर उठ गई और दुद्दू मांग रही है, उसे दुद्दू नहीं देंगे नहीं तो वो फिर सो जाएगी। गुड बकरी है। तुझे बोलो बकरी गोट बकरी गोट बकरी गोट बकरी प्रशु गोट प्रशु बकरी क्या था बकरी पूरी तरह जरूर पड़े नींद में अभी भी प्रशु बकरी बकरी दोनों हाथों से एक साथ खा रही है क्योंकि पापा ने भी लिया हुआ है मम्मा ने भी लिया है तो दोनों खाना है यम्मी। ट्रेन में ट्रेवल करते हैं ना तो ये वाइप्स रख लेते हैं और ये वाइप से आप फेस क्लीन कर सकते हैं। फ्रेशू का भी कुछ ईजिली फेस एंड एवरीथिंग क्लीन हो जाता है बिकॉज अब इसको नहला तो सकते नहीं है। और जब लंबी लंबा जर्नी हो ना जैसे ये अभी 30 आवर्स का जर्नी है तो पूरा पैकेट ही रख लीजिए क्योंकि और बड़ा वाला पैकेट रखिए इससे आराम से बच्चे क्योंकि ना बार बार गंदे हो जाते हैं कितना भी उन्हें प्रोटेक्ट करके रखो कभी वो इधर टच करेंगे उधर टच करेंगे एंड अगर सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो फिर वो मुँह में डालेंगे हाथ तो बार बार इसका फेस क्लीन करना। लेकिन और जो लंच था ना कहते हैं खाने की बुराई नहीं करना चाहिए लेकिन आपने देखा ना कितना पतला मतलब सब्जी बिल्कुल सूप की तरह था। मैंने उसमें से बस पनीर के पीसेस उठा के खा लिए और पराठे जो थे उसमें पिकल जो पिकल का सैचे दिया था ये अच्छा किया था उन्होंने कि पिकल दिया था एटलीस्ट तो पिकल लगा लिया। वैसे मेरे पास थोड़ा पिकल रखा भी था। पराठे का मैंने पोंगा बना के खा लिया और सब्जी दाल राइस सब वैसे ही। श्री ने भी छोड़ दिया मतलब इनफैक्ट मैंने देखा ट्रेन में सभी लोग छोड़ रहे हैं। वाओ जय भगवान जी की जय जय। और अब आने वाला है नागपुर और नागपुर दिल के बहुत करीब है वेरी स्पेशल क्यों any guesses because I was born here it's my birthplace nagpuriya hai nagpuriya oh god acha hua beach ke kisi platform pe nahi hai ye ya to first hai ya last hai sahi platform pe aayi ho yahan se utro bahar nikal ja। हाँ ये तुम ना चाहते हो कि मेरी ना ये वो इंसान ये चाहते हैं ना कि मेरी ट्रेन मिस हो जाए इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि स्टेशन से उतर के ना बाहर घूमा हो जाके जबकि 5 मिनट्स का हॉल्ट है बस। ये लास्ट स्टेशन पे आई है कि फर्स्ट स्टेशन है प्लेटफॉर्म 1 है कि लास्ट है कोई अगर दिल्ली का कॉल आ रहा है उससे रिक्वेस्ट करता हूं। No one will give you upper berth and take side berth। और ये रहा नागपुर। और ये रहे नागपुर के समोसे।
बारिश हो रही है। धरती को नमन करो प्रेशो, धरती को नमन करो, तुम्हारी माँ की जन्मभूमि, माँ की जन्मभूमि। आंटी प्रेशो, पता है जब हम छोटे पे ट्रेन से ट्रेवल करते थे ना, तो पापा ऐसे स्टेशन पे रुकते थे तो पापा क्या क्या चीज़ें लाते थे खाने के लिए, समोसा, ऑरेंजेस, उरई में गुलाब जामुन। उतनी थी नीचे वीडियो बना के आके अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने गई। माता जी एक हमारी, हमारे ब्रशेस की भी एक माता जी है, तुम्हें वीडियो हाय हेलो और वापस आ गई बना के। ये नहीं सोचा कि दो प्राणी ऊपर बेचारे सामान की रखवाली कर रहे हैं। नहीं, और साथ में प्रेशु ने माँ की जन्मभूमि को नमन भी नहीं किया। प्रेशु, माँ की जन्मभूमि और कुत्ते देखे ना घूमते तो क्या हो गया, डॉग्स तो अच्छे होते हैं। तो कितने सारे पिजन्स हैं प्रेशियस। पापा के सैंडल्स अंदर रखो, हैंड से नहीं पैर से रखते हैं। नीचे 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 यहाँ रख दो, यहाँ पे। अरे ऊपर नहीं पगलू, यहाँ वेरी गुड। कितने अच्छे से लगाए हैं सेट की। आ जा, शूज भी सेट करेगी। वाओ, शूज भी सेट कर दी। वेरी गुड, क्लैप 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 क्लैप, वेरी गुड। बिस्किट रिक्वेस्ट करो कि बिस्किट चाहिए। प्रेशु बोलो प्लीज। बिक्कू चाहिए, बिक्की चाहिए। अच्छा बिस्कुट कैसे, ओके ओके मम्मा देती है। और प्रेशु का नहीं, प्रेशु वन मम्मा वन प्रेशु, वी विल शेयर। मम्मा को भी दे दो प्लीज, थैंक यू। पापा को तो पूछा ही नहीं। एक मम्मा एक प्रेशु, पापा के लिए दे दो, दे दो पापा को, दे दो। पापा गाना गा रहे हैं, इस भरी दुनिया। एक बिस्किट से गाना चेंज हो गया। वो दोनों बिस्किट घुसा रही मुंह में। इतने भी चाहे कर ले, ये गिर जाएगी उल्टा। अभी बज रहा है कितना,
3:20 हो गया, 2:15 पे एक्चुअल में टाइम था, जो एक्चुअल टाइम था ना नागपुर जाने का, पहुंचने का, वो था 2:15, लेकिन मुझे लगता है ये अराउंड 2:45-2:50 पहुंची है, लेट हो गई, आई थिंक हाफ एन आवर अराउंड 30-40 मिनट्स लेट हो गई, तो दिल्ली तो और लेट पहुँचेगी, या ये भी हो सकता है रात में कभी कभी कवर कर लेते हैं। अब इसके बाद अभी एक बल्ला, पता नहीं बल्ला शाह आएगा कि रात में भोपाल आएगा 8:30 अराउंड, तो हम लोग वहाँ से के लिए खाना ऑर्डर करते हैं क्योंकि ट्रेन का खाना तो बहुत बेकार है, तो देखते हैं भोपाल से कुछ ऑनलाइन डिलीवरी ऑर्डर कर देते हैं। तुम्हारे लिए करना है ऑर्डर, भोपाल से कर दें डिनर। कोई शॉप थी यार, उसका नाम ना भूल गया, भोपाल की तरह प्लेसेस ऑफ ईट दिखाओ एक बार। ईटरी नहीं, अब ऑनलाइन यहाँ पे ट्रेन में कौन कौन डिलीवर करता है, ज़रूरी नहीं ना सभी करते होंगे, अभी चेक कर लेते हैं। हाँ भोपाल के लिए कर देते हैं। बिक्कू, बिक्कू खाया नहीं अभी। इट्स अबाउट 5 PM एंड अब हम जा रहे हैं चाय पीने। चाय हॉट एंड ठीक है, टेस्ट में भी ठीक है। एंड प्रेशु डार्क फैंटेसी खा रही हो, बेबी बेबी को निन्नी करा रहे हो कि बेबी को खिला रहे हो? बेबी बिक्कू खा रहा है। पापा को बिक्कू नहीं खिलाओगे? यार पता क्या, पेंट्री में ना इसकी बॉटल क्लीन हो जाएंगी गर्म पानी से, तो तुम जाओगे कि मैं जाऊँ? तुम चले जाओ यार, तुम चलो मैं आता हूँ। दोनों लोग थोड़ी ना जाएंगे, बॉटल क्लीन है बस गर्म पानी से थोड़ा सा दूर। नहीं प्रेशु को मैं देख लूँगी। यू वॉन्ट मी टू गो टू पेंट्री? और यहाँ प्रेशु पापा जी से बात कर रही है। सारे वर्ड्स बोल दे रही जो भी आते हैं। फोन भी नहीं रख पा रहे हैं, बात भी नहीं तुम्हारे साथ। पापा मार्क बता रही, पापा और मम्मा के मार्क वहाँ लगे हैं। अच्छा पापा को टाटा कर दो, टाटा कर बेटा, पापा रख नहीं जा रहे हैं, जल्दी से बाय बाय करो, जय जय करो, टाटा बोल दो, टाटा बोल दो। ओके चार्ज नहीं हो रहा है। तो शाम की चाय तो हो गई और प्रेशु अभी सामने अपर बर्थ पर चढ़ गई है, वहाँ पे खेल रही है। अभी सामने की पूरी दोनों अपर बर्थ खाली हैं, वो शायद भोपाल से अब नेक्स्ट पैसेंजर्स आएंगे। और अभी शाम के 6 बज गए हैं, हमारी जिंजर टी हो गई है, हमने शाम को 5 बजे पी ली थी, लेकिन उसके साथ में कुछ स्नैक्स नहीं मिले थे, तो अभी एक समोसा वाला गया, तो मैं पक्के से समोसा लेने वाली हूँ, और जल्दी से खाते हैं समोसा और चाय। और ये रहे समोसा, और साथ में इसमें ना हरी मिर्च दी है, पर ये हरी मिर्ची तली हुई वाली नहीं है, नॉर्मली क्या होता है जो तल के देते हैं, पर यहाँ
कच्ची हरी मिर्ची, और चाय हमने पहले ही पी ली थी तो मैंने साथ में फ्रूटी निकाल ली है, तो थोड़ा जूस फ्रेशो पी लेगी, और मैं लेकिन एक जिंजर टी फिर से लूँगी। और डिनर हमने ऑनलाइन बुकिंग कर दिया है तो वो यहीं पर आ जाएगा। और ये सो रही हैं, अभी 8 बज गया, भोपाल आने वाला है, प्रेशु अभी भी निन्नू निन्नू कर रही है। पता नहीं आ रहा, मुझे लगता नहीं आ रहा। हम एक बार फ़ोन करके कंफर्म कर रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि हमारी ट्रेन आ गई है, लेकिन अभी तक वो जो डिलीवरी बॉय है वो ना फ़ोन उठा रहा है, उसका फ़ोन कॉन्स्टेंटली बिजी आ रहा है। हम लोग आ गए अब भोपाल, और अभी तक डिलीवरी बॉय भी नहीं आया, तो मैं वो भी देख रही हूँ कि कोई आ रहा है कि नहीं आ गया खाना आज का। भोपाल में 8:15 टाइम था, लेकिन 1 आवर लेट हुई। 8:15 भोपाल का टाइम था, लेकिन आते आते 8:59 हो गया है, 45 मिनट्स लेट हो गई है। बट होपफुली दिल्ली तक ये कवर कर लेगी, क्योंकि रात में नॉर्मली ना कवर हो जाता है। और ये रहा भोपाल, यहाँ से मैंने बीटेक किया था, बीटेक डेज पूरा, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब कितने साल, अराउंड 10 ईयर्स बाद, अराउंड 10 ईयर्स, 10 से थोड़ा कम, 7-8 ईयर्स बाद मैं भोपाल आई हूँ। और ये है वो भोपाल, मतलब ये तो प्लेटफॉर्म है, अदरवाइज बाहर जाने का टाइम नहीं है, सिर्फ 10 मिनट्स का हॉल्ट है, अदरवाइज मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत 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 सुंदर सिटी है, दोनों साइड से आप चाहे तो प्लेटफॉर्म 1 से जाओ, चाहे प्लेटफॉर्म लास्ट वाले से जाओ, दोनों साइड से बहुत अच्छा है, और बिल्कुल पास ही में सब कुछ है। मेन सिटी स्टार्ट हो जाता है, बट वही है कि टाइम बहुत कम है, अदरवाइज पक्का आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा आप प्लेटफॉर्म ही देखिए, ये रहा, और ये रही हमारी ट्रेन। प्रेशु अभी भी सो रही है, प्रेशु दिखाते हैं, और ये रही प्रेशु सो रही है, प्रेशु स्टिल स्लीपिंग। और यहाँ से नए लोग भी आ गए हैं, और ये साची मिल्क पार्लर, इसका हमने बहुत यहाँ पे ना, जैसे साची ही फेमस है, साची मिल्क। हमने खाना ऑर्डर किया था, अभी तक आया नहीं है। हमने दोपहर वाला जो आफ्टरनून वाला लंच था ना, वो इतना ज़्यादा ख़राब था, ट्रेन में हमने ऑर्डर किया था, तो अभी हमने ऑनलाइन ऑर्डर किया भोपाल से, लेकिन अभी तक वो आया नहीं। तो वही कह रहे हैं कहीं खाने ने बुगली दे दी, तो फिर वही ट्रेन वाला खाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। देखते हैं, वेट करते हैं कब तक आता है। यहाँ पे 10 मिनट्स का हॉल्ट है, चलिए अंदर चलते हैं। हमारा खाना आ गया, कोई बात नहीं, ले जाओ। और पता नहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि खाना बहुत टेस्टी होगा, क्योंकि देखिए ये प्लेस भी कितनी कलरफुल है ना, अच्छा सा पैकिंग वो भी दिया। दिस इज सैलेड, एंड ये भी सैलेड है, ये है वेज बिरयानी, तो ये है वेज बिरयानी, काजू पनीर, कितना क्यूटली इन्होंने सैलेड भी दिया है, एंड इसमें अभी है मसाला डोसा। काजू पनीर, पराठा, डोसा, इडली एंड चटनी, ये कोकोनट चटनी,
एंड इसमें है टमाटो चटनी और ये है ये रहा डोसा एंड वो रहा सांभर। तो ये रहा हमारा आज का खाना। रेशु सो रही है अभी। यार इतना आजकल ना भलाई का बिल्कुल भी ज़माना नहीं है, एक बार किसी की हेल्प करो। मैंने ना इन दो लोगों को थोड़ी देर के लिए बैठने के लिए दे दी वर्क, तो एक तो पूरा फैल के लेट गए हैं और दूसरे ने भी आधी सीट मेरी कवर कर ली है। अभी दिखाती हूँ कि कौन दो लोग हैं। तो ये वो दो लोग हैं, ये देखिए ये आधी सीट पे मेरे बैठे हैं और ये तो सबसे बदमाश है, इसको मैंने सीट के आप पे बैठने क्या दिया, ये तो उस लेट के। इन दोनों ने मेरी पूरी 3-4 सीट कवर कर ली है। इसलिए कहते हैं भलाई का ज़माना नहीं है। और मैं बैठी हूँ थोड़ी सी उसमें। और जो डिनर था ना सब कुछ इतना ज़्यादा टेस्टी था, खूब अच्छे से खाया है। और प्रशु भी सो रही है तो मैं भी थोड़ी देर सो लेती हूँ। रात के 3 बज रहे हैं, अब आपसे मिलेंगे सुबह। और देखिए कितनी जल्दी मॉर्निंग भी हो गई है और बस अब दिल्ली आने वाला है। ट्रेन करीब 1 घंटा लेट है, तो हम लोग यही सोच रहे थे कि न्यू दिल्ली जाएंगे और वहाँ से वापस घर जाएंगे, तो न्यू दिल्ली से घर जाने में भी करीब 1/2 घंटा लग जाता है। तो सोच रहे थे कि ऑफ़िस के लिए लेट हो जाएंगे, लेकिन लकली इन्होंने ना हज़रत निज़ामुद्दीन पे भी ट्रेन थोड़ी देर के लिए रोक दी है। हम लोग जल्दी जल्दी यहीं पर उतर गए क्योंकि यहाँ से घर बहुत करीब है। तो बस अब हमने बुक कर दी है यहाँ पे। ये अच्छा है कि कभी भी कोई भी टैक्सी मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। तो हमने कार बुक कर दी है और अब हम लोग घर की ओर निकलेंगे। वैसे तो भैया लेने आ जाता है, लेकिन इस बार हम लोग सरप्राइज़ दे रहे हैं इसलिए बताया नहीं। भैया को बताया है लेकिन उसको स्टेशन इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि अगर वो आता तो बाकी पेरेंट्स सबको पता चल जाता। तो ये अब देखते हैं घर पे पहुंचते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है, सबका शॉक हो जाएंगे सब लोग। तो बुकिंग तो हो गई है लेकिन अभी यहाँ पर आने में थोड़ा उसको टाइम लगता है। दिखाते हैं कि 5 मिनट्स में आ रहे हैं, लेकिन ना सामने स्टेशन के सामने में बहुत ट्रैफिक रहता है, तो कम से कम 10-15 मिनट्स नॉर्मली लग ही जाते हैं। एंड आज तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, 10 मिनट्स हो गए अभी भी वो नहीं आया। कह रहा है कि यहाँ यू टर्न लेना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो देखिए हम यहाँ तक तो आ गए और अब घर जाने के लिए इतना वेट करना पड़ रहा है। प्रशु तो बिल्कुल भी नहीं सुन रही है, वो यहीं पे बैठ गई है, ना गोदी आ रही है। उधर ना रोड साइड भाग रही थी तो इसको पकड़ के बस बोला कि ठीक है अगर यहीं बैठ रही है तो यहीं बैठ जाओ, और यहाँ बैठ कर खेल रही है वो। हाँ एसी ऑन करो, बहुत गर्मी लग रही है। कितनी दूर दिखा रहा है यहाँ से। और सब लोग कहते हैं कि यहाँ पर पॉल्यूशन है, लेकिन देखिए यहाँ पर कितनी ग्रीनरी भी है, कितना अच्छा लग रहा है ना। और सूर्य देवता निकल आए हैं इतना जल्दी, अभी 7 भी नहीं बजा है यहाँ। तो देखो वाह कितना तेज धूप आने लगा।
ओके रेशु कहाँ जा रही हो? नानी को सरप्राइज देने? ये तो नींद में ही है। रेशु फोन ही करो। रोड से नहीं नहीं रोड गिट्टी जाना आगे, आगे ना रोड पे टर्न आएगा ना। बाएं हाथ लेते ही फिर दाहिने पे दरवाजा गेट दिखेगा, यही है बाएं हाथ, यही ना करना। हाँ यही टर्न करना। हाँ। पहला राइट साइड में गेट हो, दाहिने हाथ गेट है, यही वाली सोसाइटी। फिर टूट गया, ये गिरा होगा या कटिंग कटा है ना इसी वाले गेट में। और यहाँ बिल्डिंग में पूरा रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो पूरा प्लास्टिक से सारा कवर किया हुआ है गेट भी, एंड यहाँ पे भी पूरा पार्टीशन लगाया है कि अंदर धूल मिट्टी ना आए। ले लो इसको, गोदी सामान ले लेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फैमिली कैसे रिएक्ट करती है।